हाँ जी नमस्कार सभी को, मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल D++ YouTube में। तो यहाँ भाई सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को जो एक न्यूज़ मिल रही है, बार बार मिल रही है कि UPTET कैंसिल हो गया है, UPTET कैंसिल हो गया है, किस वजह से? जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें आ गई हैं, सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है, या फिर आपका जो सेंटर है वो मैनेज नहीं हो पाएगा, या जिस भी वजह से जो भी UPTET को कैंसिल करने की न्यूज़ आ रही है, अभी फ़िलहाल तक उस पर कोई भी आप ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आती है वो नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहली बात कि क्योंकि आपको आपकी तैयारी अप टू डेट रखनी है, इस वजह से क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना ये पड़ेगा कि जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ना आ जाए कैंसिल होने का, तब तक ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। अब उसके बाद एक दूसरी बात जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी आप लोगों को शेयर करनी, वो थोड़ा सा बता देता हूँ भाई कि काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है उतनी ज़्यादा शांति नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा समझो बातों को, समझना आपको सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप जाओ UPTET का एग्ज़ाम देने, अकेले मत जाना, ये मेरी राय है आपको। क्यों राय दे रहा हूँ? क्योंकि देखो ऐसे समय पर फ़ोन साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब आप जाओगे तो हो सकता है कि फ़ोन रखने के लिए आपको जगह ना मिले, हो सकता है उस स्कूल में उस सेंटर में उतनी फैसिलिटी ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन फ़ोन ज़रूरी है। तो अपने साथ किसी घर के एक व्यक्ति को लेकर जाओ जो आपसे बड़ा हो, ना कि आपसे छोटा हो, ताकि आपका ध्यान रख सके। दूसरी बात, जब भी जाओ पानी की बॉटल साथ ज़रूर लेके जाना, आप सरदर्द की दवाई ज़रूर लेकर जाना, आप एक रुमाल ज़रूर लेकर जाना, और जो भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ें नेसेसरी है वो ज़रूर लेकर जाना। दूसरी बात, जहाँ भी आपको ये लगे कि यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो भीड़ के पास मत जाना, ठीक है? मतलब जहाँ आपको ऐसा लगे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा मतलब अपनी भागीदारी जैसी टाइप की चीज़ें मत दिखाना, थोड़ा सा उनसे दूर रहना, क्योंकि आजकल आड़ में आकर जो उल्टी सीधी हरकत है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है? अच्छा दूसरी बात कि हमेशा क्या करते हैं कि एंट्री टाइम पूछते हैं कि सर एंट्री टाइम हमारा क्या रहेगा, एंट्री टाइम हमारा क्या रहेगा। अब एंट्री टाइम को भूल जाना, जो आपके पेपर का समय है उससे अगर आप एक घंटा पहले भी निकलोगे तो भी सही है। क्यों? क्योंकि कोई पता नहीं कि रास्ते में कहाँ जाम मिल जाए, कहाँ दिक्कत मिल जाए, तो उसके लिए समय से पहले निकल जाओ और जो भी आपका समय है उसके हिसाब से आप अपने सेंटर पर पहुँच जाओ। जल्दी पहुँच जाओगे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीच में जाम मिल गया तो फिर उसके बाद आप घर पे आके यही बोलते हुए दिखाई दोगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, जाम था उस वजह से दिक्कत आ गई, इस वजह से दिक्कत आ गई। तो बस ये ध्यान रखो कि तैयारी में कोई कमी मत रखो। दूसरी बात, समय से पहले निकलो अपने घर से, सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाओ। तीसरी बात, जब भी जाओ तो किसी बड़े को साथ लेकर जाओ। चौथी बात, पानी रुमाल दवाई ज़रूर साथ लेकर जाना, और फ़ोन घर पे जो हमेशा हम छोड़कर जाते थे, कई बार मैं भी गया हूँ बार घर पे छोड़ के फ़ोन, क्योंकि मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ फ़ोन रखने की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो घर पे छोड़ जाता था, वो वाली गलती मत करना। फ़ोन ऐसे समय पर ज़रूरी है, ठीक है? बाकी घबराने की कोई बात है नहीं, यूपी में एक बहुत बढ़िया भाई फैसला हो गया है कि जो लोग दिक्कत कर रहे हैं उन्हीं से भरपाई करवाई जाएगी अब, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। ठीक है, ऐसे जो नुकसान करेंगे उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो तो और बढ़िया बात, ठीक है? तो फिलहाल बस इतनी बात कहूँगा भाई, UPTET कैंसिल अभी तक का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो बिल्कुल इन बातों को दिमाग से निकालो, और जो मैंने बातें कही हैं उन्हें दिमाग में रखना, फॉलो करना, आपके भले के लिए है, आपकी भलाई के लिए। बाकी सेफ रहो, सही रहो और सतर्क रहो। तो इसी के साथ ओवर करते हैं इस वीडियो को। UPTET की तैयारी अच्छे से करते रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना।